सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज फोन उतार वाले कई लोग कमेंट आ रहे थे जिनके पास वीआई का सिम है, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए थे। सो कई लोग कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए, किसी बहुत बैड न्यूज आ रही है, क्या कंपनी ये बंद होने वाली है, क्या शट डाउन होने वाली है। दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको अपने सिम को पोर्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस बहुत दिनों से यहाँ पे आ रही है कि जो वीआई है वो अपने नेटवर्क लोगों का पे नहीं कर पा रही है। मतलब जैसे इन लोग का जो नेटवर्क होता है वो कंपनियों को दे रखे हैं कि हमारा यहाँ पे कि हमारे नेट मतलब जो नेटवर्क होते हैं उनको वो दिया जाता है, तो उनको क्या आ रहा है कि ये पेड नहीं कर पा रही है, जैसे कि यहाँ पे मतलब पैसा। तो दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी दिवाला बोलने वाली है, कमेंट आ रही थी। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे टेलीकॉम का न्यूज, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया नेट लॉस वाइंडेड। तो दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी होती है इन लोग के जो टावर होते हैं वो टावर कोई और चलाता है, उसका मतलब वो कंपनी क्या करती है, उनको पैसा पे करती है टावर्स या नेटवर्क को चलाने के लिए। तो दोस्तों क्या हो रहा है, कई लोग बोल रहे हैं कि ये कंपनी बहुत लॉस हो रही है और कंपनी का जो शेयर है वो डे बाय डे गिरते जा रहा है। तो आपको इस मतलब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको दूसरे कंपनी में स्विच हो जाना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके शेयर की। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे जीरोधा में चलता हूँ और दोस्तों मैं इसके शेयर की बात कर लेते हैं। तो भाई शेयर देख सकते हो कि कहाँ पे ये वोडाफोन आइडिया 11 रुपए 11.5 रुपए रहता था, लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है कि ये लगातार डाउनफॉल हो रहा है। मतलब कई दिनों से ये जो शेयर्स है मतलब यहाँ पे 8 रुपए के करीब अभी टच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 50 पैसे ऊपर है तो ये 8 रुपए भी टच हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों काफी आप देख सकते हो ये कंपनी कभी 11 रुपए से बड़ी नहीं रही। तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर अगर मान लीजिए मेरा इंपॉर्टेंट सिम है तो हमें पोर्ट करा लेना चाहिए। सो गाइस मैं यही राय दूंगा कि दोस्तों जो ये कंपनी है वीआई है ये आप ही के पैसे पे तो चल रही है, अगर आप ही अगर लोगोगे इसमें पोर्ट कराने दूसरे कंपनियों में भागने लगोगे सो गाइज ये अपने आप ही कंपनी शटडाउन हो जाएगी, आप ही के पैसे से कंपनी को चलना है। तो गाइज मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको कंपनी को सपोर्ट करना है सो गाइज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा सोचो कि आप ही की वजह से कंपनी चलती है। अगर कंपनी किसी के अगर धंधे को अपने को चौपट करना है या कुछ भी करना है तो आप इजिली कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मेरे पास भी वोडाफोन का सिम है पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कंपनी बंद हो जाए, कंपनी ग्रो करेगा तभी तो कंपटीशन। अगर मान लीजिए आप ही इन सिमों को एयरटेल में पोर्ट करा लोगे तो दोस्तों जब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंपनी एक हो जाएगी, मान लो वीआई बंद हो गया एयरटेल बंद हो गया सो गाइस फिर कंपनी नहीं रहेगी तो क्या होगा, फिर इम्प्लेस मतलब जैसे जब जियो रहेगा तो जियो अपनी मनमौजी करेगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या करेगा रेट बढ़ा देगा। रेट जब रिचार्जों का बढ़ने लग जाए क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता मार्केट में तो क्या होता है कि मतलब रेट बढ़ने लगते हैं। तो अभी अगर मान लीजिए वीआई और एयरटेल बंद हो जाए तो क्या होगा कि जियो मनमानी करने लगेगा अपना 500-600 रुपए रिचार्ज, क्योंकि उसके तकड़ का कोई है नहीं, अब कोई आने वाला नहीं है। सो कंपटीशन को मार्केट में रहना जरूरी है तभी आपको छोटे छोटे रिचार्ज मिलेंगे। दोस्तों मानता हूं आज ये कंपनी घाटे में, लेकिन दोस्तों ये रिकवर कर सकती है आने वाले कुछ सालों में। दोस्तों इतना बड़ा लॉस है कंपनी के ऊपर तो दोस्तों कम से कम 5 से 6 साल या 10 साल भी लग सकते हैं रिकवर करने में, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी चलाता है वही जानता है कि मतलब कंपनी कैसे चल रही है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा, मेरे हिसाब से कई लोग बोले थे कंपनी बंद हो जाएगी तो सिम पोर्ट करा लेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, अगर कंपनी अगर बंद भी होगी तो आपको टाइम मिलेगा कि आप एयरटेल में पोर्ट करा लो या जियो में पोर्ट करा लो। ऐसा नहीं है कि तुरंत कंपनी शट डाउन हुई और तुरंत आपको मौका भी नहीं मिलेगा, आपका सिम से नेटवर्क चले जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो गाइस वीडियो में इतना जानकारी देने के, बताइए छोटी सी वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर जरूर सब्सक्राइब।